दोस्तों सलमान खान की मच अवेटेड मूवी टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो एज अ वीडियो एडिटर चलिए उस पर रिएक्शन कर लेते हैं। ट्रेलर की एक वॉइस ओवर के साथ कि किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जैसे कि उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी पत्नी। एंड विलन का वॉइस ओवर स्टार्ट होता है। जो कलर करेक्शन एंड जो थीम रखा गया है मूवी का, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि एक डार्क टोन में ब्राउनिश टोन रखा गया है एंड वो कलर पैलेट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ जो मूवी के CGI वर्क्स हैं वो भी बहुत तगड़े हैं, ऐसा लगता है कि मैं कोई रियलिस्टिक गेम देख रहा हूँ एंड कुछ भी नकली नहीं लगता। जो पॉलिशनेस है वो बहुत ही प्यारी लगती है और भाईजान का तो स्वैग एकदम अलग है ही। उसके बाद एक्शन सीक्वेंसेस की बात की जाए वो भी बहुत अच्छे हैं, बीट पे ही कटे हुए हैं और मुझे लगता है मूवी के अंदर भी बीट पे ही कटे होंगे, थोड़ा चॉपी एक्शन होगा। एक्शन से बात आई कि रीना कैप का भी एक बहुत ही तगड़ा एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है टॉवेल वाला, एंड वो देख के मुझे समझ में आया कि ओ समथिंग इज गुड। ट्रेलर जहाँ तक देखा जाए उससे ये समझ में आ रहा है कि जो विलन है पाकिस्तान से वो रिवील कर देगा कि अपने सलमान भाई ने ये सारी गलतियाँ की हैं और जिसकी वजह से उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन फिर वो किस तरीके से अपनी टीम बना के चीज़ों को करता है एंड उस विलन को हराता है, वो सारी चीज़ की स्टोरी है। और अपने शाहरुख खान भाई किस जगह पे आएंगे, आई थिंक जब पाकिस्तान में फंस जाते हैं तब बचाने आएगा। आई थिंक ट्रेलर देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जल्द से जल्द दिवाली पे जाने वाला है। टाइगर की कोई भी सीरीज कभी भी हम लोग को डिसअपॉइंट नहीं करती है। जहाँ तक बात है इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की, मूवी मुझे बहुत तगड़ा लगा, मैंने ईयरफोन लगा के सुने थे एंड अच्छा लगा, तो आई थिंक मूवी के अंदर भी वो चीज होगी। सॉन्ग्स कोई नहीं दिखाई दिए क्या इस मूवी के अंदर, पहली बार सॉन्ग्स नहीं होने वाले हैं। बट जहाँ तक बात रिएक्शन की, दोनों लोग रिएक्शन कर रहे हैं, रीना भी एक्शन कर रहे हैं, सलमान भाई भी एक्शन कर रहे हैं, वो मजा आ रहा है। मैं तो मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर आप भी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इस मूवी करे बोले।